आप सबको पता होगा हमारा लंबा या हाइट में छोटा होना हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर हम सभी इंसान एक ही स्पीसी के हैं तो क्यों कोई गोरा या काला है? आपको ये तो पता होगा कि किसी का गोरा होना या काला होना उस इंसान की एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालता है। और आपको ये भी पता होगा कि हम किसी इंसान को उसके कलर से जज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान काला है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, या फिर अगर कोई इंसान गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान अच्छा है। पर हम में से क्यों कुछ लोग गोरे हैं और क्यों कुछ लोग काले हैं अगर हम सभी इंसान एक ही स्पीसी के हैं? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी को हमारा कलर क्यों मिलता है, आप एकदम अमेज्ड हो जाएंगे। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हमारी बॉडी को हमारा कलर मिलना इतना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप शुरू करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को देखना पड़ेगा, जो बनी होती है बालों से, स्वेट ग्लैंड से और ऑयल ग्लैंड से। और ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें से सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे वाली लेयर को डर्मिस बोलते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर को हाइपरडर्मिस बोलते हैं। हमारी बॉडी को हमारा कलर एपिडर्मिस में मिलता है। तो अब हम एपिडर्मिस के अंदर देखते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है जिससे हमारी बॉडी को हमारा कलर मिलता है। तो एपिडर्मिस के अंदर दो सेल्स पाई जाती है, केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स। तो जो पिगमेंट हमारी बॉडी को हमारा कलर देता है वो पिगमेंट मेलानोसाइट्स के अंदर बनता है। तो अब हम मेलानोसाइट्स के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो मेलानोसाइट्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जहां ये केमिकल बनता है, और इन्हें मेलानोसोम्स के नाम से जाना जाता है। मेलानोसोम्स के अंदर अमीनो एसिड टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू मेलानिन में। उसके बाद ये जो मेलानिन होता है ये एपिडर्मिस की दूसरी सेल जो है केराटिनोसाइट्स उसमें चला जाता है, और उसके बाद केराटिनोसाइट्स के सेल के न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप बना लेते हैं। और ये कैप क्यों बनाते हैं? ये कैप इसीलिए बनाते हैं ताकि जो सन से यूवी रेस आती है उन यूवी रेस से जो न्यूक्लियस होता है वो बच सके। अगर मेलानिन नहीं होगी और हमारी बॉडी में यूवी रेस चली जाएंगी तो जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए डिफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो जो मेलानिन होता है जिससे हमारी बॉडी को हमारा कलर मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और इससे जो स्किन कैंसर होता है उसको मेलानोमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का कोई भी कलर जो होता है, मतलब कि मेलानिन का बनना, वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अब हमको पता चल गया कि हमारी बॉडी को कलर कैसे मिलता है। अब हम बात करते हैं कि काला कलर और गोरा कलर कैसे मिलता है। तो काला या गोरा कलर तो हमको मेलानिन से ही पता चलेगा। तो मेलानिन दो टाइप्स के होते हैं, यू मेलानिन और फियो मेलानिन। अब जिन लोगों की बॉडी में ज्यादा फियो मेलानिन बनता है उन लोगों के बाल और चेहरे पे रेड रेड स्पॉट्स होते हैं और उनके बाल भी रेड कलर के होते हैं। पर जिन लोगों की बॉडी में ज्यादा यू मेलानिन बनता है वो लोग डार्क कलर के होते हैं और उनके बाल भी डार्क कलर के होते हैं। और जिन लोगों के बॉडी में कम यू मेलानिन बनता है वो लोग लाइट कलर के होते हैं और उनके बाल भी सफेद कलर के होते हैं। अब आप जितना धूप के कॉन्टेक्ट में रहेंगे उतना ज्यादा ही मेलानिन आपकी बॉडी में बनेगा, क्योंकि मेलानिन बनना हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, आपको पता चल गया है। तो क्या होता है, जो लोग इक्वेटर में रहते हैं, इक्वेटर का मतलब अर्थ का बीच वाला हिस्सा जहां सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और सबसे ज्यादा पड़ती है, तो वहां के लोगों की बॉडी में यू मेलानिन ज्यादा बनता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनता है। इसीलिए अफ्रीका जैसे कंट्री के लोग काले होते हैं और इंडिया के लोग ज्यादातर सांवले होते हैं, ना काले होते हैं ना गोरे होते हैं, वो बीच का कलर सांवले होते हैं। और जो एरिया इक्वेटर से दूर होता है जैसे कि यूरोप और कनाडा, लंदन, वहां के लोग गोरे पाए जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा मेलानिन नहीं बनता है। तो हमारा स्किन कलर हमको ये बताता है कि हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं और हम किस जगह पे रहते हैं, पर स्किन कलर ये नहीं बताता है कि हम इंसान कैसे हैं या हमारी नॉलेज कितनी है या हमारे अंदर पोटेंशियल कितनी है, हम क्या कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप काले हैं और आप डीमोटिवेटेड रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कलर ब्लैक है, तो आपको दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इस वीडियो को मैं इसी पॉइंट पे यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। आप द लॉजिकल टॉक को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।